तो चलिए आज बनाते हैं क्रिस्पी और टेस्टी सैंडविच, वेज सैंडविच। तो चलिए सबसे पहले मैंने बॉईल किए हुए आलू ले लिए हैं, उसके बाद मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस ऑन करके। अब मैंने इसमें तेल डाल दिया है, तेल थोड़ा सा कम हुआ था तभी मैंने हींग डाल दिया था, बट तेल को अच्छे से गर्म हो जाने देना है। उसके बाद मैंने ज़ीरा ऐड किया है, अब हम थोड़ा सा ऐड करेंगे इसमें राई जो है, अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ राई। अब इसको अच्छा थो पकाएंगे, अब देन ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार, आपको तीखा ज़्यादा कम खाना है। हल्दी ऐड कर दिया, ये धनिया पाउडर, अब है ये गरम मसाला। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अनुसार जो है, तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, भून लेंगे मसाले को। भूनने के बाद आलू का पेस्ट बना लेंगे, मैश कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद इसको हम इसी कढ़ाई में डाल करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे जो है, बहुत अच्छे से फ्राई करना है। आलू में गुठलियाँ वगैरह रह जाती हैं तो उनको थोड़ा अच्छे से, आलू उबल तो जाती हैं बट जो है थोड़ा अच्छे से मैश करना होता है कि जिससे गुठलियाँ ना पड़े, और अच्छे से पूरा मसाला मिक्स करना होता है कि पूरे आलू में इक्वली जो है मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स करना है, पूरा ऐसे होता नहीं बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बना लेना कि गुठलियाँ वगैरह ना रह जाए। बैटर को ठंडा कर लिया, उसके बाद मैंने ये एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है पेस्ट। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ बारीक कटा हुआ प्याज, बहुत बारीक नहीं ना बहुत बड़ा है, मीडियम था। और उसके बाद मैं कर रही हूँ ऐड इसमें टमाटर, कटा हुआ टमाटर। मुझे थोड़ा सा सूट करने में दिक्कत हो रही है क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड का इशू है, बट कोई नहीं, आने वाले टाइम पे सॉल्व हो जाएगी। तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ा सा बैटर काफ़ी देर का हो गया था तो थोड़ा सा बैटर हार्ड हो गया था जो है, तो इसको मिक्स करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। आप कोई भी मेयोनीज़ ले सकते हैं, देख सकते हैं मैंने इसमें ऐड किया है जो है 3 से 4 स्पून जो है, जितनी क्वांटिटी ये पेस्ट की है उतनी ही क्वांटिटी मैंने मेयोनीज़ ली थी। अच्छे से इसको डाल करके एटलीस्ट 3 to 4 स्पून अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है कि पूरे पेस्ट में मतलब इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए मेयोनीज़, खाने में हर बाइट में टेस्ट आए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको में हरा धनिया भी डाल सकते बट हमारे पास अवेलेबल नहीं था हरा धनिया, तो कोई नहीं जितना है उतने में ही काम चलाएंगे अपन। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। उसके बाद हम लेंगे ब्रेड, ब्रेड 2 ब्रेड लेके, एक ब्रेड जो है एक ब्रेड लेंगे, एक ब्रेड पर पेस्ट लगाएंगे अच्छे से पूरे ब्रेड में भर करके। थोड़ा सा दिखाने में मुझे दिक्कत हो रही थी बट कोई नहीं, आप लोग समझदार हो समझ जाओगे। तो ये देख सकते हैं मैंने स्पून से ले लिया है ब्रेड, वो स्पून से ले लिया पेस्ट। अब इसको अच्छे से बैटर ब्रेड पर लगाएंगे। ग्रीन चटनी पहले लगा सकते हैं बट मेरे पास ग्रीन चटनी, धनिया नहीं थी उसकी वजह से हमने ग्रीन चटनी नहीं बनाई, टमाटर थे, धनिया नहीं थी उसकी वजह से, बट इट्स ओके। ऐसे भी आप खाओगे तो टेस्टी लगते हैं सॉस के साथ या फिर मेयोनीज के साथ आप खाओ। अब इसके ऊपर रख देंगे एक और ब्रेड, इसी तरह से बाकी ब्रेड भी हम जो है अच्छे से तैयार कर लेंगे। थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो में जितना स्लो हो जाता है उतना रियल में तो नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लगता है। अब हम दूसरे ब्रेड में भी अच्छे से इसको फिल कर लेंगे जो हमने बनाया है वेज सैंडविच का ये पेस्ट जो है, इसको भी अच्छे से लगा लेंगे और इकट्ठा बना करके रख लेंगे। उसके बाद सेकने में टाइम नहीं लगता, आप तवे पर भी सेक सकते हो या फिर सैंडविच मेकर में भी सेक सकते हो, और बहुत अच्छा बनता है सैंडविच, और मुझे तो बहुत तरीके से बनाने आता है जो है। तो चलिए इसमें भी लगा लेते हैं। अब इसमें मैं घी या फिर बटर की सहायता से आप इसको अच्छे से सेक सकते हैं, तो मैंने इस पर घी लगाया, गर्मियों में घी मेल्ट हो जाता तभी आप देखेंगे मैंने घी लगाया है बहुत ही अच्छे से, पूरा प्रॉपर बहुत नहीं लगाया क्योंकि वैसे भी मैं सैंडविच मेकर में अच्छे से बन जाता है। तो मैंने यहाँ पर 4 ब्रेड रेडी कर लिए हैं, 4 सैंडविच। अब मैं इस पर घी ऐड लगा रही हूँ अच्छे से। घी लगाने के बाद अब हम इसमें इसको सैंडविच मेकर में सेंक लेंगे। मुझे थोड़ा सा स्पेस का भी बहुत सारे इशूज़ हैं तो उसकी वजह से मैं प्रॉपर मेरा वीडियो नहीं हो पाता है, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी बट इट्स ओके। ये मेरा सैंडविच मेकर, अब हम इसको रख के बंद कर देंगे और बटन ऑन कर देंगे। बटन ऑन करते अभी देखना लाइट जल जाएगी, रेड लाइट।
जब ये पक जाता है तो इसमें ऑरेंज लाइट जो ग्रीन दिख रही है वो भी जलने लगती है। तो इसको हम पका लेंगे, उलटने पुलटने की ज़रूरत नहीं होती तवे पे। जैसे ये देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे से सेक गए हैं ये हमारे पास। आप ब्राउन ब्रेड भी ऐसे ले सकते हो, ये बन गया। और काटने के लिए आप थोड़ा सा चाकू को गैस पर गर्म कर लो, उससे काटो बहुत ही आराम से आपके सैंडविच कट जाते हैं। तो ये मैं पैक करने के लिए मैंने वो डाला था, आप उसी पर देख सकते हैं, मैं उसी पर दिखा रही हूँ। दूसरा भी मैं कट करके दिखा रही हूँ, तो आप लोग भी ऐसे ही ट्राई करें, बहुत अच्छे और मतलब अच्छे बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं और कम टाइम में बन भी जाते हैं। बहुत टाइम नहीं लगता कि 2 घंटा लगता होगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई